हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने पूछा कि सर आप HDFC बैंक के स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में एक वीडियो बनाइए कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं, इसके अलावा हम इस सेविंग्स अकाउंट्स को कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि HDFC बैंक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर नहीं करता है। हालांकि दोस्तों, HDFC बैंक आप लोगों के लिए एक किड सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है जो कि बच्चों के लिए होता है, और यहां पर इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए गार्जियन का एक सेविंग्स अकाउंट HDFC बैंक में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट में आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1,00,000 रुपये तक मेंटेन करना होता है, और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में 300 रुपये तक का चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो और आपका एज 18 से कम है, इसके अलावा या फिर 18 से ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा HDFC बैंक का BSBDA सेविंग्स अकाउंट दोस्तों, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बनाया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया था जिसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताया था, जिसके वजह से मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन नहीं होता है दोस्तों, इसको आप ब्रांच में ही जा करके ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो HDFC बैंक का आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो और आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 50,00,000 रुपये तक का अमाउंट रखते हो, तो ऐसे केसेस में HDFC बैंक आप लोगों को 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप 50,00,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट रखते हो अपने सेविंग्स अकाउंट्स में, तो यहाँ पर आप लोगों को HDFC बैंक 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में 1 ईयर से लेकर के 15 मंथ का FD ओपन करवाते हो, तो ऐसे केसेस में HDFC बैंक आप लोगों को 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को HDFC बैंक 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, यहां पर HDFC बैंक BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को रुपए डेबिट कार्ड HDFC बैंक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। यहां पर आप लोगों को कोई भी एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें, तो आप इस सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितने बार चाहें उतने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 1 रुपीज़ चार्जेस नहीं देना होगा। हालांकि दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था दोस्तों। मैंने इनके वेबसाइट में अच्छे तरीके से देखा नहीं था, जिसके वजह से गलती हो गया, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप जितने बार चाहें उतने बार अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इस सेविंग्स अकाउंट से 4 बार ही पैसे निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आप चाहे तो ब्रांच से निकालें या फिर चाहे तो ATM से निकालें, आप 4 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। उसके ऊपर अगर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फाइनेंशियल में 21 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस देना होगा, और नॉन फाइनेंशियल में 8 रुपीज़ 50 पैसे प्लस GST चार्जेस देना होगा पर ट्रांजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर आप लोगों को SMS अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है। SMS अलर्ट के ऊपर आप लोगों को 1 रुपीज़ चार्जेस नहीं देना होता है, और यहां पर HDFC बैंक आप लोगों को पासबुक, चेकबुक, इसके अलावा ATM कार्ड ऑफर करता है आप लोगों को। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप बिल्कुल आसानी तरीके से बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, NEFT, RTGS अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हैं, तो ऐसे केसेस में ये बिल्कुल फ्री होता है, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब भी BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए HDFC बैंक के किसी भी ब्रांच में जाओगे, तो वहाँ के जो कर्मचारी होंगे वो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएं, BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स ना ओपन करवाएं, क्योंकि BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर HDFC बैंक का कोई भी फायदा बेनिफिट्स नहीं होता है। BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स का मकसद ही यही है कि लोगों को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके देना। दोस्तों, BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स को ओनली HDFC बैंक को यही फायदा है
कि इनके कस्टमर बेसिस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। और कुछ नहीं है दोस्तों, कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स का एक ऑप्शन लेकर आया है। दोस्तों इसके अलावा कर्मचारी जहां तक होगा वहां तक आप लोगों को पलझाने की कोशिश करेंगे कि आप HDFC बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाएं, ना कि BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स। लेकिन आप लोगों को दोस्तों, अगर आप BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो तो आप लोगों को सीधे सीधे कहना है मुझे BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना है और दूसरा कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है HDFC बैंक का, क्योंकि HDFC जैसे बड़े बैंक में अगर आप लोगों को BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स मिल जाता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। आप ओपन करवा सकते हैं इसको किसी भी ब्रांच में जाकर के। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोग का मिनिमम एज 10 ईयर्स होना चाहिए और आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों। अगर पैन कार्ड नहीं होता है फिर भी ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि पैन कार्ड आप लोग का 18 प्लस पर ही अप्लाई होता है। जब तक आप 18 प्लस नहीं हो जाते हैं तब तक आप पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि HDFC बैंक के BSBDA सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था वो बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।